लोगों का सपना होता है, सपना होता है मुंबई में अपना खुद का एक घर हो। लेकिन अगर यही घर शाहरुख खान के बगल में हो जाए तो भैया उस पर्टिकुलर व्यक्ति की तो चांदी ही चांदी, क्योंकि एक अलग स्टैंडर्ड है अपना। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बॉलीवुड के एक नए सितारे, मतलब कि अभी की जनरेशन के वन ऑफ द वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक, उनकी चमक गई किस्मत और खरीद लिया उन्होंने क्वाड्रिप्लेक्स। अभी क्वाड्रिप्लेक्स क्या है और उसकी कीमत क्या है, मैं इस वीडियो में बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रणवीर सिंह की। जी हाँ, धतड़ धतड़ एक्टर रणवीर सिंह, जिनकी जयेश भाई जोरदार और 83 बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से डूम्ड हुई। लेकिन 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 रणवीर सिंह ने दोस्तों 119 करोड़, यानी कि 119 करोड़ की ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी कि वो अभी इस वक्त इनकम टैक्स वालों की भी नजरों में है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रणवीर सिंह ने एक ऐसी बिल्डिंग में जगह बना ली है जो कि शाहरुख खान सलमान खान के नेबर बन गए हैं। शाहरुख खान रहते हैं मन्नत में, उसी के ही बगल में बैंड्रा है, वो बैंड्रा बैंड स्टैंड, उसी के ही बगल में दोस्तों है ये बिल्डिंग जहां पर खरीद लिया है रणवीर सिंह ने क्वाड्रिप्लेक्स। जी हाँ, डुप्लेक्स की तरह जिस तरीके से होता है, डुप्लेक्स डबल ऊपर नीचे होता है, वैसे ही रणवीर सिंह ने चार अलग अलग फ्लोर्स वाला खरीद लिया है। और वो मतलब उसका उसका जो स्क्वायर मीटर पे ने पड़ा था पर एरिया का 1000 से भी ज्यादा है। बाप रे बाप, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों ने ही मिलकर ये जो अमेजिंग प्रॉपर्टी खरीदी है मुंबई में। काफी लोगों की निगाहें हैं कि भैया 119 करोड़ बहुत ज्यादा है ये। वैसे अगर अभी रिसेंटली रणवीर सिंह का बर्थडे भी आया था दोस्तों, और रणवीर सिंह रिसेंटली एलए भी पहुंचे हुए थे, मस्त उन्होंने छुट्टियां उट्टियां मनाई, अमेरिका में थे, सॉरी एलए अमेरिका में, बट न्यूयॉर्क साइड थे, ईस्ट कोस्ट साइड थे। सो ऐसे में दोस्तों आपको क्या है कहना है जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें चली खजाना।